प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर इन दिनों विकास के पथ पर अग्रसर है, जहां योजना क्रमांक 155 में आईडीए की ओर से आवास मेले का आयोजन किया गया। आवास मेले में शामिल होकर आमजन ने अपनी पसंद के फ्लैट देखे और उन्हें खरीदने के लिए प्रोसेस को पूरा किया। देखिए एक खास रिपोर्ट। योजना क्रमांक 51 के पास स्थित योजना क्रमांक 155 में आयोजित आवास मेले में आईडीए की ओर से अलग अलग तरह की स्कीम लॉन्च की गई है। इस स्कीम के तहत आईडीए 2RK, 1BHK और 2BHK के फ्लैट सेल आउट करेगी। आईडीए की ओर से योजना क्रमांक 155 में विभिन्न तरह की सुविधाएं प्रदान की गई हैं, जिसके बाद अब उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही इस योजना में फ्लैट सेल आउट हो जाएंगे। अभी इंदौर विकास प्राधिकरण, जैसा बताया कि इंदौर को चारों दिशाओं के हर क्षेत्र में लगातार विकास हम प्राधिकरण के माध्यम से कर रहे हैं, और मध्यम वर्ग के लिए भी इंदौर विकास प्राधिकरण आने वाले दिनों में उनको आवास की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए हमारे पास 155 हमारी जो योजना है उसमें करीब 847 फ्लैट्स बने, उसमें से हम मध्यम वर्गीय बंधुओं के लिए फ्लैट्स की योजना लेकर आए हैं। बहुत ही सस्ते और अच्छे बने हुए वो फ्लैट उन बंधुओं के रहेंगे। 9,74,000 से प्रारंभ होकर के 20-25 लाख तक के वो फ्लैट हैं, और मुझे लग रहा है कि ये सौगात इंदौर विकास प्राधिकरण के लिए 9 वर्ष की एक मध्यम वर्ग के लिए सौगात होगी। तो हम इस बधाई के साथ, 9 वर्ष की शुभकामनाओं के साथ, मैं सभी जिनको आवास की आवश्यकता है उन बंधुओं से आग्रह करता हूं कि प्राधिकरण की इस योजना का अधिक लाभ लें। टेंडर निकाल दिए हैं और 22 तारीख को हम एक आवास मेला करने वाले हैं। उस आवास मेले में हमारे जो प्राधिकरण के अधिकारी है वो वहाँ उनका पंजीयन करने के लिए उपस्थित रहेंगे, और लगातार 6 माह तक लोग इसका लाभ ले सकते हैं। अभी तक इंदौर विकास प्राधिकरण हर महीने के लिए 1 महीने के लिए टेंडर निकालता था, और उसमें ये होता था कि कई लोगों को पता चलता जब तक वो समय समाप्त हो जाता था। हमने तरीके कि हम 6 महीने तक लगातार वो उस योजना को जारी रखेंगे, और हर माह लॉटरी सिस्टम से जो एक प्लेट पे एक से अधिक यदि कोई बंधु आते हैं तो लॉटरी सिस्टम से उसको निकाल करके उसको वो प्लेट हम देंगे, और वो फिक्स रेट पर है। इसलिए मुझे लग रहा है कि इससे बहुत कुछ लाभ मध्यम वर्गीय लोगों को मिलने वाला है। ये जो स्कीम नंबर 155 है वहाँ हमारे जो मल्टी बनी हुई है जिसमें लगभग 855 फ्लैट हैं, जिसमें 1BHK हैं और 2BHK हैं, इनका डिस्पोजल के लिए हम लोगों ने आज से जो है पूरा आवास मेला लगाया है। और जैसा आपने स्थल पर देखा है कि वहाँ बैंक के अधिकारी भी बैठे हुए हैं और उनके काउंटर भी लगे हुए हैं। कुल मिला के उद्देश्य यह है इंदौर विकास प्राधिकरण का कि जो हमारी संपत्ति है वहाँ फ्लैट्स हैं ये लोगों को मिल जाएँ, उसमें लोग रहने लगें, और जो उसका पर्पस था। अध्यक्ष महोदय का लगातार इस दिशा में बहुत प्रयास रहता है और वे निरंतर इसकी मॉनिटरिंग करते हैं, समीक्षा करते रहते हैं, और उनका ये था कि जो शहरी मध्यम वर्गीय व्यक्ति हैं, परिवार हैं, उनको सबसे पहले टारगेट किया जाए ताकि उनको हम आवास की सुविधा उपलब्ध करा सकें। और इसी दिशा में हम लोगों ने प्रयास करके आज सबसे पहले 155 स्कीम में इसको किया है। हमारे सभी अधिकारी वहाँ बैठे हुए हैं, जो संपदा के अधिकारी हैं और जो मार्केटिंग की पूरी सेल है वो वहाँ बैठी हुई है, और अभी थोड़ी देर बाद हम लोग जो अन्य अधिकारी हैं उनको भी मूव कर रहे हैं। और ये उद्देश्य रहेगा कि जितने दिन आवास मिला है वहाँ पे लगातार जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो भी मॉनिटरिंग करते रहें उसकी, और जो लोग आ रहे हैं उनको पूरी जानकारी मिल सके, और हम लोग एंड टू एंड उनका ध्यान रख रहे हैं हितग्राहियों का। जैसे कि अगर किसी को फॉर्म भरने में कोई दिक्कत है, ऑनलाइन टेंडर है क्योंकि, तो ऑनलाइन में यदि उनको कोई दिक्कत है तो वहाँ हमारी टीम बैठी हुई है और कंप्यूटर के माध्यम से पूरा इंटरनेट वहाँ लगा के रखा है, तो वहीं हम उनका फॉर्म भरवा देंगे। अगर उनको बैंक से कोई सपोर्ट की ज़रूरत है, कोई लोन लेना है, होम लोन लेना है, तो हमने बैंक के हितग्राहियों को वहाँ बैठा दिया है। गाइड करने के लिए भी लोगों को लगा रखा है, पूरी साफ़ सफाई उनके वहाँ बैठने की, पेयजल की व्यवस्था की है, और प्रयास हमारा यही है कि अधिक से अधिक लोग आएँ और जो बनी हुई संरचना है उसका लाभ लें। वहीं अब आमजन भी आईडीए की स्कीम का फायदा उठाते हुए अपनी पसंद के फ्लैट बुक कर रहे हैं। मैं ये मानता हूँ कि इंदौर जैसे शहर के बीचों बीच में इतने कम रेट में फ्लैट मिलना मुश्किल है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, क्रॉस वेंटिलेशन सबसे अच्छा है, और इस फ्लैट के लिए मैं 2018 से चक्कर लगा रहा हूँ। 21 में खुला था, 19 में खुला था अक्टूबर में, वो 2-4 दिन के लिए उसका एकदम पोर्टल बंद हो गया था। मैं गया भी था वहाँ पे, हर अधिकारियों को बोला कि मेरे को चाहिए करके। मेरे को जैसे ही एक गार्ड साहब ने फ़ोन किया, मैं अरियंत में रहता हूँ,
वहाँ से दौड़ते हुए सीधा यहाँ आया। आज पूरे देखे, अब उसमें थोड़े से क्लाट बाकी है तो उसको समझ लूँ तो मैं अपनी प्रोसेस पूरी करना चालू करता हूँ, और आम आदमी के लिए तो सबसे अच्छा है। फ्लैट में हमको 1 BHK में भी पसंद आए हैं, 2 BHK में भी पसंद आए, और बहुत अच्छी सुविधा की गई है इन लोगों ने। जिस हिसाब से IDA ने जो दिखाया है वो स्कीम भी बहुत अच्छी है, फ्लैट भी बहुत अच्छे हैं, किसी प्रकार से रहवासी को कोई परेशानी नहीं आना है, और इतनी सस्ती और इतनी अच्छी चीज़ भविष्य में नहीं मिल सकती इंदौर जैसी सिटी में। IDA अध्यक्ष और उपाध्यक्ष महोदय ने जो ये स्कीम लाए हैं बहुत अच्छी स्कीम है, इससे काफ़ी लोगों को राहत होगी और खुद का घर का रहने को मिलेगा, और कम शुल्क में और बहुत अच्छी जगह और अच्छी व्यवस्था है, किसी प्रकार से कोई शिकायत नहीं है। पूरा मैंने कैंपस घूमा है, पूरे कैंपस में बहुत बढ़िया व्यवस्थाएं करी है, रोड से लगाकर पानी तक किसी भी चीज़ की कोई परेशानी नहीं, फ्लैट भी बहुत अच्छे बने हैं। हम IDA बिल्डिंग 155 में 3 साल से रह रहे हैं, ऐसा यहाँ पे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ बहुत अच्छा है, और यहाँ का मॉस्टवेयर बहुत अच्छा है, और यहाँ पे जितने भी लोग रह रहे हैं सब एजुकेटेड और अच्छे लोग रह रहे हैं, और हमको 3 साल रहते ने आगे यहाँ पर अभी तक ऐसी कोई प्रॉब्लम्स नहीं आई है। और अभी तो आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिट है कि हमने तो 24 लाख में ये फ्लैट लिया था, और अभी रेट इसका 20 लाख हो गया है, तो रेट में भी बेनिफिट है, और यहाँ की फैसिलिटी भी अच्छी है, पानी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, पानी भी अच्छा है, और यहाँ पर आवास मेला लगा है तो हम भी और एक और लेने में इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि रेट डाउन हुआ है तो बहुत अच्छा लगा है, और इसमें कोई लॉस वाला कोई वो नहीं है सौदा। कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर इन दिनों विकास के पथ पर अग्रसर है, जहां योजना क्रमांक 155 में IDA की ओर से आवास मेले का आयोजन किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज इंदौर।